Hi everyone, welcome back to my channel Share IELTS Language. This is Abhishek here. आपको भी पता है कि स्पीकिंग एग्जामिनेशन में इंट्रोडक्शन पार्ट के जो क्वेश्चंस हैं ना, दोज आर वेरी मच क्रिटिकल, क्योंकि वो सबसे पहला फर्स्ट इंप्रेशन एग्जामिनर के ऊपर डालते हैं द वे वी आंसर द क्वेश्चंस. तो उन क्वेश्चंस को ना बहुत अच्छे से हैंडल करना है. पहली बात तो ये है कि द क्वेश्चंस लाइक वेयर आर यू फ्रॉम, व्हाट इज योर फुल नेम, हाउ कैन आई एड्रेस यू, दीज आर जस्ट अ वार्म अप क्वेश्चंस ताकि स्टूडेंट या कैंडिडेट का ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए. लेकिन रियल गेम चेंजर तब आती है जब आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. फॉर एग्जांपल, डू यू लाइक दिस, डू यू लाइक दैट, कौन सा काम आप अच्छे से हैंडल कर लेते हो, ऑन सच पार्ट्स. सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द काइंड ऑफ यूजफुल फ्रेजेस यू कैन यूज इन योर पार्ट वन. ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पार्ट वन में यूज कर सकते हो, पार्ट टू या पार्ट थ्री में भी आप इन फ्रेजेस को लॉजिकली कहीं पर भी इंक्लूड कर सकते हो. बट meaning to say that ki these are the English and the native speaker like of kind of phrases. So today I'm going to talk about such phrases related to things you like and things you are good at. So part one I will discuss now, is video ka part one only. Part two mein hum log discuss karenge ki how often you do things, connectors, useful connectors that you can use, and कुछ questions होते हैं कि would you like to do that, like talking about in future. So firstly, आज के ऊपर focus करते हैं, the things you like and things you are good at. The questions हमें आते हैं कि for example, do you like coffee? Do you like tea or coffee? Do you like reading books? आपको आसमान देखना पसंद है? Do you like to see the sky? Kind of. तो इन क्वेश्चंस को लॉजिकली आंसर तो हम कर देते हैं, यस आई डू, यस आई लव. व्हाट इज अनदर वे टू आंसर दीज क्वेश्चंस? तो एक बहुत कॉमन और बहुत अच्छा फ्रेज है दैट यू कैन यूज, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, कि आई कांट गेट इनफ ऑफ इट. सिंगुलर चीज के लिए इट इस वजह से लगाया है. सो इसका मतलब है कि आई रियली लाइक दैट, मतलब कि ये मुझे करना बहुत पसंद है, ठीक है, या ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई रियली लाइक दैट, उस केसेस में यूज़ कर सकते हो. समटाइम्स हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रिलेटेड टू प्लूरल थिंग्स. सो अगर तो आप प्लूरल चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो यू कैन यूज़ आई कांट गेट इनफ ऑफ देम, तो प्लूरल चीज़ों के बारे में वो बात होगी. इसका भी यही मतलब है, आई रियली लाइक देम. डू यू लाइक रीडिंग बुक्स? आई रियली लाइक. डू यू लाइक वॉचिंग मूवीज? येस, आई कांट गेट इनफ ऑफ देम. I like the dash and dash kinds of movie. तो movies का genre बता सकते हो उस case में. In case अगर plural है तो them आ जाएगा, और अगर singular चीज़ है तो it आ जाएगा. Let's just take the another a phrase that you can use. वो है कि what I like most about it. Kind of adjective clause के साथ आप use कर सकते हो, जैसे मैंने use किया है. Question है कि do you like science? Yes. What I like most about it is it's so interesting. For example, last week I read an article about solar panel and how we can use them to protect the planet. तो बहुत simple सा answer था आपका yes के साथ, लेकिन शुरुआत जो की है yes it is very interesting की बजाय yes what I like most about it is it's so interesting. Interesting के लिए यहाँ पर आप word use कर सकते हो captivating also. That is how you can mold the way of giving an answer to the examiner. अगली फ्रेज जो है वो है कि येस आई लव दैट, इट अलाउज मी टू. फॉर एग्जाम्पल, डू यू लाइक कंप्यूटर? येस आई लव दैट, एज इट अलाउज मी टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड मी. कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई भी चीज आती है. तो मेन फ्रेज क्या है कि येस आई लव दैट एज इट अलाउज मी टू, मतलब कि मुझे ये करने को मिलती है ये चीज़, ये इसका मीनिंग निकल के आता है, ठीक है. नेक्स्ट फ्रेज से डिसाइड, अगली फ्रेज देखते हैं. फॉर एग्जांपल, डू यू लाइक सोशल मीडिया? यस, इट अलाउज मी टू कनेक्ट विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली एट अ प्रेस ऑफ अ बटन. इट अलाउज मी टू, यस इट अलाउज मी टू, ठीक है. तो दैट इज अ फ्रेज दैट यू कैन इंक्लूड इन योर आंसर रादर देन सेइंग यस आई डू, यस आई यूज द सोशल मीडिया. सो रादर देन रिपीटिंग द क्वेश्चन अगैन, जस्ट गो टू गिव द purposeful answer, meaningful answer and to the point answer जो examiner wait कर रहा है जिस चीज़ की. दूसरी example आप देख रहे हो कि do you like coffee? Yes, it allows me to wake up quickly. कि मैंने ये मेनू जल्दी wake उठने के लिए ये मुझे allow करती है and be on the ball at work. ये मैंने idiom use किया है.
बी ऑन द बॉल एट वर्क का मतलब होता है टू बी अलर्ट, क्विक टू टेक एक्शंस, ठीक है, कॉफी पीने से जाग खुल जाती है जो हम हिंदी में बोलते हैं जैसे। अनदर थिंग जो है डिस्कस करने वाली कि थिंग्स यू आर गुड एट एंड थिंग्स यू आर नॉट गुड एट। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जैसे डू यू कुक, आर यू गुड एट पेंटिंग, आर यू गुड एट कुकिंग, डू यू प्ले स्पोर्ट्स, डू यू सिंग, इस तरीके के क्वेश्चंस अगर आते हैं तो ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। वन और टू क्वेश्चंस वुड बी लाइक दैट, तो उनके लिए अगर एक या दो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं तो हाउ यू कुड आंसर दोज एंड व्हाट काइंड ऑफ फ्रेजेस यू कैन यूज। अगर तो आप काम करने में बहुत अच्छी हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं येस आई हैव अ नैक फॉर इट। इट माने वो जो काम आपसे पूछा गया है। आई हैव अ नैक फॉर, इसका मतलब होता है टू बी गुड एट समथिंग, या आपको उस करने में उसका वो काम करने में आपके पास टैलेंट है या एक नेचुरल एबिलिटी है या आपका फोर्टे है, वो FORTE फोर्टे है वो आपका, ठीक है, बाई हाथ का खेल जिसको हम बोल देते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल जो आपके सामने की शी हैज़ अ नैक फॉर मेकिंग फ्रेंड्स, ठीक है, मतलब कि वो बहुत अच्छे से फ्रेंड्स बना लेती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डू यू टॉक टू द स्ट्रेंजर्स, यस आई एम एन एक्सट्रोवर्ट एंड आई हैव अ नैक फॉर मेकिंग फ्रेंड्स, सिंपल आंसर आप भी दे सकते हो इस तरीके से। इसके ऑपोजिट साइड अगर आप किसी काम के लिए ठीक नहीं हो या आपको लगता है कि दैट यू आर नॉट गुड एट समथिंग, तो उसके लिए आप फ्रेज यूज कर सकते हैं नो आई एम होपलेस एट इट। होपलेस एट इट का मतलब टू बी वेरी बैड एट समथिंग। फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कह सकते हो आई एम होपलेस एट कुकिंग, आई हैव नेवर ट्राइड दैट, या आई विल नेवर ट्राइड दैट, आई वंस आई ट्राइड बट आई फेल्ड मिजरेबली, सो आई थॉट दैट इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, काइंड ऑफ थिंग्स यू कैन यूज एंड इम्प्रेस द एग्जामिनर। सो यहाँ अगर आप उस काम में अच्छे नहीं हो सो यू कैन से दैट आई एम होपलेस एट इट। डू यू लाइक पेंटिंग, कैन यू डू पेंटिंग, डू यू लाइक टू डू पेंटिंग, काइंड ऑफ डू यू टेक द फोटोग्राफ्स, नो आई एम होपलेस एट टेकिंग द फोटोग्राफ्स, आई डोंट नो हाउ टू होल्ड द कैमरा, हाउ टू होल्ड द लेंस इन माई हैंड। सो दैट इज हाउ यू कैन यूज द फ्रेजेज एंड गिव द आंसर टू इम्प्रेस द एग्जामिनर। दिस इज फॉर द पार्ट वन, वेरी शॉर्ट वीडियो, एंड आई विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम बाकी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम कनेक्टर्स एंड आप कोई काम कितनी देर में करते हो, जिस तरीके के क्वेश्चन, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग द वीडियो, फॉर योर टाइम। अगर आपको अच्छा लगा प्रेस द लाइक बटन, और अगर आपको कुछ भी गलती मिलती है और आपको कुछ समझ नहीं लगा है, और इफ़ यू वॉन्ट टू गिव मी अ सजेशन then you can comment also. I'll be posting such kind of videos more in the future. Please stay connected. Thank you.